मैं डॉक्टर सुप्रिया पुरानिक टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। कभी-कभी छोटी बच्चियां योनि मार्ग की जगह पे सूजन यानी कि पूरा रेडनेस हो जाता है, पूरी नाल हो जाती है, पूरा इन्फ्लेमेशन हो जाता है इस स्थिति में, या कभी कभी खुजली होने के कारण डॉक्टर के पास आती है। वैसे देखा जाए तो छोटी बच्चियों में योनि मार्ग का इन्फेक्शन होना ये आम बात है। जब अपनी बेबी अपने यूट्रस में गर्भाशय में रहती है, वूम में रहती है, तब माँ की एस्ट्रोजन की वजह से अपनी छोटी बेबी का वजाइना एकदम स्ट्रांग रहता है और इसीलिए इन्फेक्शन की संभावना कम है। जैसे बच्ची जन्म लेती है तो माँ से जो एस्ट्रोजन बेबी को मिलता है वो स्टॉप हो जाता है और बेबी की वजाइनल स्किन यानी योनि मार्ग की जो त्वचा रहती है वो एकदम पतली होती जाती है। जब एस्ट्रोजन अच्छा रहता है तब वजाइना की मांसपेशियों में या पेशियों में ग्लाइकोजन का निर्माण होता है जिससे लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और अच्छे वाले बैक्टीरियाज वहाँ आते हैं, वो इन्फेक्शन को फाइट करते हैं, इसीलिए इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन बच्चों में ईस्ट्रोजन ही नहीं रहता, इसीलिए योनि मार्ग का जो त्वचा रहती है वो एकदम पतली रहती है, उसमें ग्लाइकोजन नहीं रहता, उसका पीएच अल्कलाइन होता है और इसीलिए इन्फेक्शन की संभावना बढ़ती है। और इसके साथ ही छोटी बच्चियों में जो वजाइनल फोल्ड रहते हैं, जो लिप्स रहते हैं जिसको हम लेबिया मेजोरा कहते हैं, उसमें फैट कम रहता है। और तीसरी बात है वहाँ बाल भी नहीं रहते, इसीलिए संक्रमण बहुत ही इजीली हो जाता है और वजाइनल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और बच्चियों को अपनी योनि मार्ग की हाइजीन कैसे मेंटेन करें इसकी नॉलेज नहीं होती, इसीलिए हाइजीन भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है जिससे बच्चियों के योनि मार्ग का इन्फेक्शन होता है। तो आइए हम जानेंगे ये इन्फेक्शन किस टाइप का होता है। ये इन्फेक्शन दो टाइप का रहता है, एक होता है नॉन स्पेसिफिक जिसका कोई रीजन नहीं रहता, उसके रीजन जो रहते हैं वो बहुत वेग रहते हैं, और दूसरा होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की वजह से कुछ इन्फेक्शन, ये जो स्पेसिफिक है उसमें बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, कभी फंगल इन्फेक्शन होता है, कभी ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन होता है, ये तरह तरह की इन्फेक्शन योनि मार्ग में हो सकती है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक इन्फेक्शन है इसका इंसिडेंस कम रहता है यानी कि लगभग 25% ही रहता है। ज्यादा से ज्यादा जो संक्रमण रहता है ये नॉन स्पेसिफिक कॉजेस से होता है, ये हार्मोनल डेफिशिएंसी से होता है, ये एलर्जी की वजह से होता है, कभी कभी हाइजीन की वजह से होता है, और रेयरली फॉरेन बॉडी कभी कभी अंदर जाती है उसकी वजह से भी होता है। तो आइए हम जानेंगे इसकी जाँच हम कैसे करेंगे। जब छोटी बच्चियों को वहाँ से डिस्चार्ज आता है, जब ये डिस्चार्ज पस जैसा रहता है या वाइट डिस्चार्ज रहता है, तो डॉक्टर वो डिस्चार्ज कलेक्ट करते हैं, पस जैसा डिस्चार्ज जो रहता है उसको कल्चर के लिए भेज देते हैं, और कौन से ऑर्गेनिजम्स वहाँ हैं उसकी हम जांच करते हैं, और उसके लिए कौन सी दवाइयाँ हम दे सकते हैं ये भी जाँच कल्चर की रिपोर्ट में आ जाएगी। लेकिन कभी कभी वजाइना से जो आने वाला डिस्चार्ज है वो ब्लड स्टेन भी रहता है, उसमें थोड़ी खून की मात्रा रहती है, उसमें पस रहता है, उसको थोड़ा स्मेल रहता है, बच्ची को बुखार आता है, तो डॉक्टर आपको एनेस्थीशिया देके वो जगह की यानी कि योनि मार्ग की जांच के लिए कह सकते हैं। लेकिन इस टाइप के जो सिम्टम्स रहेंगे तो हमें डॉक्टर को ना नहीं करनी है, नहीं तो ये इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। जो ये आम डिस्चार्ज रहता है, नॉन स्पेसिफिक डिस्चार्ज रहता है, तो डॉक्टर पहले आपको हाइजीन के बारे में बताएंगे, डॉक्टर माँ को सब सिखाएंगे कि बेबी की वजाइना की हाइजीन कैसे रखनी है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी बच्ची की पॉटी को कैसी वॉश करती है, पीछे से आगे की तरफ जब वॉश करती है तो ये इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो बच्ची को ये सिखाना है आगे की पीछे की तरफ बेबी को वॉश करना है, तो वजाइनल इन्फेक्शन के रिस्क कम हो जाएंगे। कभी ऐसे भी हो सकता है जो हम सोप यूज कर रहे हैं तो उससे बेबी को सोप की एलर्जी होती रहेगी, तो ये देखना है जब हम बच्चों के लिए सोप का इस्तेमाल करते हैं तो हम एडल्ट में जो सोप यूज करते हैं वो उनको नहीं देना है, सॉफ्ट साबुन का आपको इस्तेमाल करना है। जब योनि मार्ग की बाहर की जगह रेडिश है और खुजली ज्यादा है तो डॉक्टर स्टीरॉइड क्रीम वाली दवा इस्तेमाल करने के लिए देंगे जिससे एलर्जी भी कम हो जाएगी
और जिससे सूजन भी कम हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर ने हल्की सी स्टीरॉयड वाली दवा दी तो हमें वो अच्छे से इस्तेमाल करें। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया, जब बच्चों को योनिमार्ग का इन्फेक्शन होता है यानी कि वजाइनल इन्फेक्शन होता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और उस पर इलाज क्या करना है, इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए। और हमारी गायनेक इनफर्टिलिटी आईवीएफ रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।